पांचवें चरण के लिए इस वक्त मतदान चल रहा है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान आर राजगोपालन, वरिष्ठ पत्रकार तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अब हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं बाराबंकी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश राज प्रयागराज से। गोपालन जी, आपसे हम बात करेंगे, उससे पहले ग्राउंड पे क्या कुछ चल रहा है थोड़ा सा हमारे संवाददाताओं से हम बात कर लेते हैं। आशुतोष के पास सबसे पहले चलेंगे, वो बाराबंकी में मौजूद हैं। आशुतोष, अब करीब 1:30 बज चुका है, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अगर मतदान के प्रतिशत की अगर हम देखें तो काफ़ी मतदान हो चुका है। 1 बजे तक लगभग 40% मतदान जो है यहाँ पर कास्ट किया जा चुका है बाराबंकी ज़िले में। शाम 6 बजे तक जो स्थितियाँ होंगी वो सामने निकल कर के आएंगी, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि 60-65% के बीच जो है वो मतदान अवश्य होगा, क्योंकि मतदान का रुझान जो इस चरण का जो है चुनाव हो रहा है इसमें 2017 में जो है करीब 65% मतदान पड़ा था, और बाराबंकी की ही एक विधानसभा सीट थी कुर्सी जहां पर 70% से अधिक मतदान हुआ था। आज सुबह भी मैं वहां पर था और मतदान का जो रुझान देख रहा था उसको देख करके साफ तौर पर यह लग रहा था कि मतदान का जो है प्रतिशत जो है कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की जो है अपेक्षाओं के अनुकूल रहने वाला है। ये मैं जिस मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ बाराबंकी का, ये जो है एक पिंक बूथ है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और अंदर मतदान हो रहा है। सुबह से लगातार जो है यहाँ पर मतदाता आ करके अपना मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो पहली बार जो है वोट करके आ रहे हैं। आपने पहली बार वोट डाला है, क्या नाम है आपका? वैभव यादव सर। तो क्या मुद्दे दिमाग में थे कि किस तरह से वोट डाला जाए? सर, किस पोजीशन में वोट डालना है वो हमें सिर्फ योगी सरकार पे देखना है। ओके, क्या मुद्दे थे? कुछ लड़कियां हैं हमारे साथ, ये भी जो है पहली बार मतदान करके आई हैं। थोड़ा आगे आ जाओ बेटा। क्या क्या नाम है आपका? मुस्कान यादव। मुस्कान, क्या सोच करके वोट डाला? हम ना गुंडाचार ना भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियर युवा हमारा मतदाता है चंद्रशेखर, वो वोकल भी है, कह भी देता है कि उसने क्या सोच करके वोट डाला है और किसको किसको डाला है। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना मतदान किया है। आपने क्या सोच करके वोट डाला? मैंने तो ये सोचा है कि सबसे पहले जो सरकार महिला की सुरक्षा करेगी उसकी, ये सोच के मैंने वोट दिया है। दूसरी बात एक ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बेरोजगारी पे ज़्यादा ध्यान दे और स्वावलंबी भारत का निर्माण करे और हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो, जहाँ पे जातिवाद धर्म कोई ना हो। बिल्कुल चंद्रशेखर, मैं चंद्रशेखर सुबह से इस बात को कह रहा हूँ कि इस बार जो 2022 का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में न एंटी इनकम्बेंसी है, न किसी पार्टी के पक्ष में कोई लहर है। मतदाताओं के अपने मुद्दे हैं जिन पर राजनीतिक दलों को खुद विचार करना पड़ा है, उन्हीं मतदाताओं के मुद्दों को लेकर के, चाहे वो किसान से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे उनकी आय दोगुनी करनी हो तो उनको क्या सुविधाएं और दी जा सकती हैं, किस तरह से उनकी सिंचाई की बिजली माफ की जा सकती है, लगभग सारे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में है, युवाओं को शिक्षा की सुविधा किस तरह से दी जा सकती है, उनको भी लेकर के सारे राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्रों में मुद्दों को शामिल किया है। तो कहीं न कहीं यह चंद्रशेखर चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि जिसमें राजनीतिक दल नहीं मुद्दा तय कर रहे हैं बल्कि जनता ने मुद्दा तय किया है और उन मुद्दों पर राजनीतिक दल विचार कर रहे हैं। चंद्रशेखर, एक चीज आपको और हम स्पष्ट तौर पर बता दें यहाँ पर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश जो है कास्ट लेबोरेटरी है, जिस तरह से प्रयोगशाला के रूप में, जातीय प्रयोगशाला के रूप में इसको जाना जाता रहा है, लगभग सारे राजनीतिक दल सामाजिक समीकरणों के आधार पर अपने उम्मीदवार भी उतारते हैं, बावजूद इसके पिछले 5 साल की सरकार में जो कुछ भी हुआ है उसने एक नई जाति यहाँ पर क्रिएट की है जिसको लाभार्थी की जात कहते हैं। लाभार्थी जाति कौन है? जिसको लाभ मिला है वही लाभार्थी की जात है। वह एक ऐसी जाति है जो वोकल नहीं है, वो बोलती नहीं है, लेकिन उसने महसूस किया है और उस महसूस करने के आधार पर उस वर्ग ने पूरी तरीके से किस राजनीतिक दल को वोट देना है या नहीं देना है उसने अपना डिसीजन लिया है। लेकिन जब ये ईवीएम मशीनें अंतिम मतदान मतगणना के लिए खुलेंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह लाभार्थी जाति कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल को फ़ायदा पहुँचाता नज़र आएगा या फिर किसी को नुकसान पहुँचाता नज़र आएगा। कहीं ना कहीं दृष्टिकोण में बदलाव आया है मतदाताओं के, लोग घरों का काम छोड़ करके निकले, मतदाताओं मतदान केंद्रों पर पहुंचे और एक अस्पष्ट विचारधारा के आधार पर, पहले कि हमारे गांव वाले लोग इस पार्टी को दे रहे हैं तो इसलिए हम भी दे रहे हैं, आज विभाजन घर के अंदर भी देखा जा सकता है, सब अपने विचार रखते हैं और वैचारिक स्वतंत्रता के साथ इस पूरे लोकतांत्रिक महोत्सव में वो पूरी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। चंद्रशेखर, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। राजेश, जिस भूमि पर आप मौजूद हैं, काफी जागरूक लोग यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी विद्वता वहाँ पर पाई जाती है, और जिस तरह से अभी आशुतोष से हम बात कर रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं ये सामने आया था कि मतदाताओं में अब काफ़ी जागरूकता आ गई है,
मतदाता अपने विचार रखते हैं, एक घर के अंदर भी अलग अलग विचार के लोग इस वक्त पर हैं। फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी मतदान किस तरह से वहाँ पर चल रहा है, और हमारे दर्शकों को दिखाइएगा अभी वहाँ पर किस तरह के इंतजाम हैं और किस तरह से लोग वहाँ पर आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि ये सीट जहाँ पर आप खड़े हैं और पूरे प्रयागराज की अगर बात करें तो कई सारी सीट वहाँ पर हैं, किस तरह के राजनीतिक समीकरण वहाँ पर हैं। देखिए चंद्रशेखर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये साहित्य, संस्कृति और आध्यात्म की संगम नगरी है, जो पहले इलाहाबाद थी अब प्रयागराज हो गई है। और यहाँ पर निश्चित तौर पर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी नहीं है, जो साहित्यकार, कलाकार और कवि, कवियों से भरी पड़ी ये बौद्धिक धरती है, और जहाँ पर हरिवंश राय की कविताएं जो हैं आज भी याद की जाती हैं। मधुशाला के लिए हरिवंश राय बच्चन याद किए जाते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन के लिए प्रयागराज को भी याद किया जाता है। मैं जिस बूथ पर हूँ, ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो हैं सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर सेल्फी लेने का काम जो है किया जा रहा है। हर उम्र वर्ग के लोग जो हैं, खास करके जो नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनके लिए ज़्यादा आकर्षण है, और जो पुराने लोग हैं वो तो सेल्फी ले ही रहे हैं। और हमारी दाहिनी तरफ भी आप देख सकते हैं कि ये जो भव्यता के साथ इसको बनाया गया है, और एक सेल्फी पॉइंट वहाँ भी है। आप एक सेल्फी पॉइंट देखिए, वहाँ एक मैडम खड़ी हैं, सेल्फी पॉइंट वहाँ बनाया गया है। देखिए हाथों में, वो आपने वोटिंग कर लिया है, देखिए वो हाथों में दिखा रही हैं, वो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और इस गेट को खूबसूरती के साथ सजाया गया है, और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। एक खासा उत्साह है, जो नौजवान वोटर हैं उनके लिए ज़्यादा उत्साह है। और आप देख सकते हैं कि सेल्फी देखिए इस तरफ भी ली जा रही है, और कहीं ना कहीं मतदान केंद्र को पूरी भव्यता के साथ सजाने की कोशिश की गई है। फूल मालाओं से सजाया गया है, ताकि जो वोटर्स हैं, वोटर्स जो हैं वो आकर्षित हों मतदान केंद्रों की तरफ। और शहरी मतदाताओं में वोटिंग को लेकर आकर्षण थोड़ा कम देखा जाता रहा है, शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग ने एक नया प्रयोग किया है कि पिंक मतदान केंद्र या फिर मॉडल बूथ बनाए जाने का काम जो है वो किया जाता है। तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि जो महिलाएं हैं वो घरों की दहलीज लांघ कर मतदान केंद्रों तक आएँ, बड़े पैमाने पर मतदान करें। और कहीं ना कहीं जो महिलाओं के मतदान का प्रतिशत है वो हम देख पा रहे हैं कि तकरीबन एक दशक में, या जो महिलाओं के विमेन वोटिंग की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में बहुत बढ़ोतरी हुई है। और अभी मैं सिराथू में था, जो कौशाम्बी ज़िले में आता है, सुबह में, तो हमने वहाँ देखा कि एक बुज़ुर्ग जो मतदाता थे वो साइकिल पर चढ़ाकर अपनी पत्नी को वोटिंग के लिए लेकर आए, क्योंकि पत्नी का पैर जो था वो फ्रैक्चर था। तो उन्होंने पूरी संजीदगी के साथ अपनी अर्धांगिनी को मतदान केंद्र तक लाया, उनसे वोटिंग कराया। दूसरा मामला था कि एक मोहम्मद कलीम थे, कलीम को परसों ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और उनकी पत्नी जो थी वो सीधे हॉस्पिटल से मतदान के लिए घर पर आईं। और हमने जब उनसे पूछा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, वोटिंग के लिए आए, उन्होंने कहा कि वोटिंग का अधिकार है, ये हर 5 साल पर मिलता है, हम इस कीमती, जो हमारा महत्व का चीज़ है, उसको हम गंवाना नहीं चाहते, लिहाजा अर्धांगिनी को लेकर मतदान केंद्र तक हम आए हैं। और मैंने उनको जब सुझाव दिया कि क्या पुत्र का नाम लोकतंत्र, जमहूरियत या मतदान, कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जमहूरियत जो है, पुत्र का नाम जो है वो जमहूरियत रखें, ताकि कहीं ना कहीं यह संदेशा लोगों में जाए कि चुनाव के समय वो पैदा हुआ है, इसलिए उसका नाम जमहूरियत रखा जाए। तो जमहूरियत के जश्न में वैसे लोग भी पहुंच रहे हैं जो आसक्त हैं, पीड़ित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों की मदद से मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। उम्र जो है वो आरे नहीं आ रहा, और हर हाल में वोटिंग को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है राजेश, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आशुतोष हमारे साथ बने रहिए, राजगोपाल जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम आपसे विभिन्न जो मसले अभी हमारे संवाददाताओं के साथ बातचीत करने के बाद सामने आए हैं उस पर बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए, खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक
और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, हमारे साथ विशेष मेहमान यहां पर मौजूद हैं, राजगोपालन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजेश और आशुतोष से अभी हमने जाना था कि क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट है, तो उनका ये कहना था कि वहां पर काफ़ी उत्साह के साथ वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं। राजगोपालन जी, एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आई है जो आशुतोष बता रहे थे कि इस बार एक नया तबका पैदा हुआ है लाभार्थियों का, जिनको केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो गरीबों को घर देने की बात हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर में पानी पहुंचाने की बात हो, या उसके अलावा एक्सप्रेसवेज जो बनाए जा रहे हैं उसका फायदा भी लोगों को मिलता है, तो जो लाभार्थियों का तबका निकल के आया है, तो उनका ये कहना है कि इन्होंने जो पुराने बैरियर हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो जातियों के बैरियर हों, विभिन्न तरह के बैरियर हों, वो सब तोड़ दिए हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं योगी का, नरेंद्र मोदी साहब का, डबल इंजन सरकार का श्रेय जाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आपका संवाददाता दोनों ने, राजेश आशुतोष ने, अच्छा वर्णन दिया है उनकी जो लोकल, जैसे प्रयागराज में हरवंश राय बच्चन का बोल रहे थे, ब्रेक में अमिताभ बच्चन आ गया, तो देयरफॉर प्रयागराज का ही इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। जैसे राजेश आशुतोष ने अच्छा वर्णन किया है, दूरदर्शन टीम का मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस दिन वोटिंग हुआ था उस दिन उसको बच्चा हुआ, उसको जमहूरियत नाम रखने के लिए सोच रहे हैं। तो इसीलिए जो पब्लिक में जो उत्साह है, जैसे राजेश के सामने, आशुतोष के सामने, कैमरा के सामने, बीच में जो वोटर्स जाते आते हैं उसको इतना मुश्किल से कंट्रोल करते हैं लोकली, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, किसको दिखाता है? आपने भी एक चीज देखा होगा चंद्रशेखर जी, जो इतना वोटर्स खड़े हैं सेल्फी लेने के लिए भी, ऐसे इलाहाबाद में, बस्ती में, गोरखपुर में, गोंडा में, वाराणसी में, जो पोलिंग बूथ के सामने एक फोटो सेल्फी के लिए व्यवस्था किया था चुनाव आयोग ने, उसको लिए भी कंग्रेचुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक में उत्साह है। आपने देखा जो मोदी सरकार का, योगी सरकार का, डबल इंजन सरकार, करके रोज खुशी हो गया है। तो देयरफॉर मुझे लगता है 60% आज वोटिंग होगा। सेकंड थिंग, कम से कम मुझे लगता है सब लोग वोटिंग कर देंगे आज। राजगोपालन जी, हम अपने संवाददाताओं से बातचीत करें, एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे। लोगों के दिमाग में पिक्चर साफ है कि बीजेपी अगर वहां पर दोबारा सत्ता में आती है तो योगी आदित्यनाथ वहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, और अभी हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, उनका कहना था कि अब यहां वक्त बदल चुका है, यहां पर गोले बनते हैं जो पाकिस्तान को जवाब देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक्सप्रेस वेज की बात की, उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि जो गरीबों की जमीन लोगों ने कब्जाई हुई थी उस जमीन को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गरीबों को वापस दिलवाया। तो एक जो ये डिसाइसिवनेस है, जो निर्णय लेने की ताकत है, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर के हो या गुंडागर्दी को लेकर के हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात भी वहां पर एक मतदाता वहां पर आई हुई थी वो बोल रही थी, तो इसको आप किस तरह से देख सकते हैं कि आपकी लीडरशिप सशक्त हो, निर्णय लेने वाली हो, और ऐसा निर्णय लेने वाली हो जो देश के भले के लिए हो, राज्य के भले के लिए हो, जो दबे हुए तबके हैं गुंडागर्दी खत्म हो, महिलाओं को सुरक्षा मिले, तो ये कितना बड़ा फैक्टर वहां पर है? बहुत बड़ा, कम से कम 100% में 80% ये फैक्टर है। जैसे राजेश आशुतोष दोनों वर्णन कर रहे थे, मुझे उस टाइम पर याद आया है बालकोट पुलवामा, क्योंकि पब्लिक माइंड पर जो डिसिसिव लीडरशिप है नरेंद्र मोदी साहब का, मैं घर में जा करके घुस के मारूंगा करके एकदम आदेश दिया है आर्मी का, एयरफोर्स का, जो नेवी का, वो साधारण चीज नहीं है चंद्रशेखर जी, ये पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखाता है। अमित शाह साहब ने अभी थोड़ी देर पहले भाषण दे रहे थे सेंट्रल हॉल में, नरेंद्र मोदी साहब चुनाव करने के, एनडीए ने इलेक्ट करने के पहले गरीब को बारे में बोल रहे थे, लेकिन उनके 7 साल में कम से कम मैं 20-25 मीटिंग अटेंड किया हूँ, जो सीबीडीटी चेयरमैन है, सीबीएसई का जो वित्त मंत्रालय में ऑफिसर्स है, उसको नरेंद्र मोदी साहब बार बार एक आदेश देते हैं, गरीब को ताली में फर्क नहीं पड़ना है।
तो ये क्या चीज दिखाता है? गरीब का गरीब का गरीब का हमेशा, आपने भी सुना होगा पिछले 24 मीटिंग नरेंद्र मोदी साहब ने उत्तर प्रदेश में भाषण दिया है, उसमें एक चीज दिया है आपको याद दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, दर्शकों को भी याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने 30 लाख लाखपति बना दिया है, 30 लाख के लिए 2 लाख रुपया का मकान दिया है, ये साधारण चीज नहीं है। कम से कम इंदिरा गांधी टाइम पर गरीब हटाओ बोल रहे थे, लेकिन 2022 में नरेंद्र मोदी ने गरीब को हटा दिया है, 30 लाख लोगों के लिए लाखपति बना दिया है, 30 लाख लाखपति हो गया इंडिया में, वो नरेंद्र मोदी तो नेचुरली है, ये खुशी की बात है। समझ में आने वाले हैं जो जो भी है उनकी वोटिंग राइट्स का आज के इंपॉर्टेंस का जो दिखाया है, ठीक है, सचमुच में कह रहे हैं दूरदर्शन की बधाई देना चाहते हैं, स्पेशली आपको राजेश आशुतोष का अच्छा वर्णन दिया है। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, राजेश आशुतोष बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, उसके बाद इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भोलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पांचवें चरण का मतदान इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार राजगोपालन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आशुतोष के पास चलेंगे। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, और राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आशुतोष आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर जो अभी हम राजगोपालन जी से भी बातचीत कर रहे थे, आपने भी इसको बोला और गृह मंत्री अमित शाह भी अभी वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, तो उनके प्रचार में जो वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, उनका ये कहना है कि अभी यूपी के अंदर यूपी को दूसरे नंबर पे हम लेके आए हैं, इस बार फिर सरकार आएगी तो यूपी को आर्थिक रूप से नंबर 1 बना देंगे। उनका ये कहना था कि यूपी में अब इस तरह के काम हो रहे हैं कि यहाँ पर तोप के गोले बन रहे हैं जो पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने जो गरीबों की ज़मीन कब्जाई हुई थी, कई सारी ज़मीन, उसको गरीबों को वापस लौटाया। महिला सुरक्षा का भी आपके सामने एक मतदाता वहाँ पर बोल रही थी। तो कुल मिला के हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है जिसमें एक्सप्रेसवेज आ जाते हैं, जिसमें गरीबों को घर मिलने वाली बात आ जाती है, लोगों के घरों में पानी पहुँचाने की बात आ जाती है, लोगों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर देने की बात आ जाती है, और साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है कि गुंडागर्दी बंद हो, लोगों की ज़मीनों को कब्जाना बंद किया जाए और साथ ही साथ महिलाओं को सुरक्षा मिले, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, एक डेवलपमेंट और दूसरा कानून व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो, तो ये मतदाताओं के दिमाग में कितना बड़ा फैक्टर है इस बार? देखिए चंद्रशेखर, आपने बहुत ही लंबा सवाल पूछा है और उसका मैं उतना ही तार्किक उत्तर देना चाहता हूं। मैं अपनी बात को राजेश राज के साथ थोड़ा जोड़ते हुए, उन्होंने हरबंस राय बच्चन और मधुशाला का जिक्र किया था, उसी धरती से सुमित्रा नंदन कवि थे, निराला जी थे, निराला जी ने उस दौर में 1-2 पंक्तियाँ लिखी थी, किसानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे तड़पाते हैं, माँ की छाती से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ये वो दौर था कि जब भुखमरी थी इस देश में, लेकिन ये आज का वो दौर है। अगर अमित शाह अपनी बातों में अपने सामर्थ्य की बात कहते हैं, तो उसी सामर्थ्य की बात से हम जोड़ते हुए अपने को कहते हैं कि ये आज का वो भारत है जो 2 वर्ष से तमाम सारे गरीबों को इस महामारी और विपदा में करोड़ों लोगों को मुफ्त सरकार भोजन देती है, नगद रुपया देती है, घर घर उज्ज्वला गैस का सिलेंडर पहुँचाती है। सामर्थ्य इस देश की इतनी विकसित हुई है कि आज आम भारतीय का भरोसा बढ़ा है, और उस भरोसे को अब बढ़े हुए भरोसे
भरोसे के बाद वो अपने को एक ऐसे ऊंचाई स्तर पर ले जाना चाहता है कि जहां पर दौड़ती हुई सड़कें दिखाई देनी चाहिए, जहां पर द्रुत गति से चलती हुई ट्रेनें दिखाई देनी चाहिए, जहां अस्पतालों की ऐसी श्रृंखला और व्यवस्था हो कि उन्हें अपने घर से दूर न जाना पड़े, शिक्षा के लिए ऐसे तमाम सारे केंद्र खोले जाएं जहां पर कि न केवल शिक्षा मिले बल्कि रोजगार परक शिक्षा मिले, हर हाथ को काम मिले। इन अपेक्षाओं को मन में लेकर के आज की तारीख में मतदाता अपने मतदान केंद्र पर खड़ा है तो निश्चित रूप से उसके सामने जो है एक बहुत विशद भारत के वंगमय, भारत के वंगमय का जो है कहीं ना कहीं रेखाचित्र है उसके मन में। और यही कारण है कि गृहमंत्री अमित शाह अगर भाषण देते हैं, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो उन्हें मालूम है कि आज का देश का युवा और आज का हमारा मतदाता चाहता क्या है। अगर वो बात करते हैं अपने रक्षा तंत्रों की तमाम सारी उन उपलब्धियों की कि जिस जो अब हम दूसरे देशों से आयात नहीं करते बल्कि आज यहाँ हम पहुँच चुके हैं कि हम उसका निर्यात कर सकते हैं, दूसरे देशों को बेच सकते हैं। ठीक है आशुतोष, अभी हमारे पास वक्त कम है लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम थोड़ी देर में एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद लगातार इन मामलों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। राजेश, जैसे कि इस कार्यक्रम को शुरुआत में मैंने राजगोपालन जी से बात की थी, कोविड के दौर से पूरा का पूरा चुनाव जो है कोविड के दौर में हो रहा है, तो एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए कि किस तरह से वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कोविड लोगों की जान सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त है सरकारों के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी। देखिए निश्चित तौर पर कोविड के दौर में ये जो चुनाव हो रहे हैं, सबसे पहले बिहार में चुनाव हुआ, बंगाल में हुआ, फिर ये पांच राज्यों के चुनाव जो हैं वो अभी कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोविड में चुनाव कराना सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए बहुत चुनौती थी। लेकिन जिस तरीके से कोविड का जो प्रभाव था ओमिक्रॉन का वो घटता चला गया, रैलियों पर से पाबंदियाँ हटती चली गई और 50 से 100, 100 उसके बाद आधे ग्राउंड, यानी कि जो ढील जो था वो मिलता चला गया और कहीं ना कहीं जो कोविड के प्रभाव को कम करने की लगातार जो कोशिशें थी सरकार की वो भी रंग लाती रहीं और चुनाव आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर जो है वो जो व्यवस्था की गए हैं आप देख सकते हैं कि जो सेल्फी पॉइंट पर भीड़ उमड़ रही है, जो युवा वोटर हैं, जो नए वोटर हैं, उनके लिए सेल्फी पॉइंट कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसके अलावा बात करें तो कोविड काल में कहीं ना कहीं मास्क दिया जाना, हाथ को सैनिटाइज कराया जाना, ग्लव्स का इस्तेमाल करना कि ईवीएम की अगर मशीनों को अगर दबाया जाए तो ग्लव्स हाथ में अगर हो तो उसका प्रसार जो है उसको रोका जा सकता है। तो मतदान केंद्रों पर कोविड काल में बेहतरीन ठीक है ठीक है। राजेश हम राजगोपालन जी के पास चलेंगे। राजगोपालन जी, लोगों की भीड़ उमड़ रही है, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। राजगोपालन जी आप बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे साथ आर राजगोपालन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इस वक्त पांचवें चरण का मतदान वहां पर चल रहा है और हमारे दो संवाददाता आशुतोष और राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष और राजेश राज से अभी हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि क्या कुछ ग्राउंड सिचुएशन है, कितना उत्साह मतदाताओं में है। राजगोपालन जी आपसे सवाल करना चाहेंगे, कुछ देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी आपने कहा कि इस बार जो मोदी सरकार और योगी सरकार का जो डबल इंजन की जो फायदे वहाँ पर मिल रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं भी आकर वोट कर रही हैं, और अगर हम ये कहें कि जो कुछ भी फायदे हैं, चाहे वो गरीबों को घर देने की बात हो या कोविड काल के दौरान मुफ्त अनाज देने की बात हो, लोगों के घर में पानी पहुंचाने की बात हो, उज्ज्वला गैस देने की बात हो, जनधन खाते खोलने की बात हो, तो इसमें हिंदू या मुस्लिम ऐसा तो कुछ देखा नहीं जाता है, तो क्या
मुस्लिम महिलाओं के अलावा जो मुस्लिम वोटर हैं, पुरुष वोटर हैं या दूसरे जो पूरे मुस्लिम जमात की हम बात करें, उनमें से भी लोग आकर वोट करेंगे बीजेपी को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मुस्लिम महिला को बीच में नरेंद्र मोदी को दबदबाव है बिकॉज ऑफ ट्रिपल तलाक बहुत है। दूसरी चीज है, थोड़ी देर पहले जैसे हमें ये सोच रहे थे मैं क्या कवि सम्मेलन में बैठा हूँ, राजेश ने ये कविता सुनाया, आशुतोष ने कविता सुनाया, नरेंद्र मोदी साहब ने सेंट्रल हॉल में जो शपथ लेने टाइम पर भी प्लस लोकसभा राज्यसभा में पिछले महीने दोनों सभा का संवाद करने टाइम पर एक चीज बिल्कुल बोला था साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, उसको तात्पर्य ये है कभी गरीब का आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, उसी को आज देखने में आपको तो जो टेलीविजन में देख रहे हैं कम से कम 40-50 लोग एक लाइन पर, दूसरी लाइन पर 40-50 लोग, इवन आज ये टाइम ऑफ 2 बजे ठंड के बीच में, ये क्या दिखाता है? मुझे लगता है प्लीज देखने में एक चीज बिल्कुल समझ में आ रहा है, 5 साल योगी सरकार का स्थिरता का ये निशाना है जो अभी दिखा रहे हैं आपने, जो पोलिंग बूथ के सामने 80-90 लोग हैं, ये आने वाले 5 साल को ले भी योगी सरकार हो जो भी को है मतदान करने आया है ना जी, वो इलेक्शन कमीशन का प्लस योगी आदित्यनाथ सरकार का श्रेय जाती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट था। आज भी कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं है, आज भी कोई ये नहीं है जैसे बिहार में पहले होते थे, ये सारा स्ट्रीमलाइन किया है, जैसे TN सेशन साहब ने, गोपाल स्वामी साहब ने स्ट्रीमलाइन किया है। उसका अलावा प्लस चंद्रशेखर मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा रिश्तेदार कम से कम 5 लोग मद्रास से निकल करके यूपी में, वाराणसी में, अलाहाबाद, प्रयागराज में, लखनऊ में है, वो तीनों में टेलीफोन करके बोलने टाइम पर बोलते हैं विकास तो हुआ है, रोड अच्छा हुआ है, प्लस ऑन द टॉप ऑफ इट लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, मेरा बेटी रात को 8 बजे निकल जाती है ट्यूशन के लिए, ये क्या दिखाता है? नेचुरली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो श्रेय जाते हैं नरेंद्र मोदी का, डबल इंजन सरकार का, स्पेशली योगी आदित्यनाथ का। ठीक है राजगोपालन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ अभी जुड़े हुए रहेंगे, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। Union Budget 2022. Budget that lays the foundation for future. Budget for Atmanirbhar Bharat. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kaal, which is futuristic and inclusive. People friendly and progressive. Creating new possibilities of infrastructure, investment, growth and jobs. Big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by synergy of multimodal approach. New milestones for digital India. Is budget ka bhi focus gareeb, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर।
Join the exclusive conversation on Union Budget, Perspective of Industry Leaders. Watch DD Conclave on Union Budget 2022, 28th February, Chennai. Sponsored by Investor Education and Protection Fund Authority, Informed Investor, Empowered Investor, Smart Investor, Bank of Baroda, we live in your world. PaisaBazaar.com, Paiso Se Badhkar, Indian Bank, your own bank, always with you. NLC India, creating wealth for well-being. Canara Bank, together we can. Nalli, Nalli Chinnasamy Chetty, Panagal Park, Chennai, Repco Bank, Grow With Us, Nippon Paint, Asia's real number one paint, and print media partner, Dina Malar. हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको, ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत। डीडी न्यूज के साथ नया सवेरा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम लगातार अपने इस जनमत कार्यक्रम के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें लोग अपने घरों से निकलकर इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ राजेश राज बने हुए हैं, हमारे साथ आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस वक्त एक विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम एक बार अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं क्योंकि दिन के 2 बज चुके हैं। राजेश के पास हम चलेंगे। राजेश, दिन के 2 बज चुके हैं और सवेरे से काफ़ी लोग अपने घरों से निकले हैं वोट करने के लिए, और अभी इस वक्त अगर हम आपसे पूछें तो किस तरह का उत्साह आपको मतदाताओं में दिख रहा है? देखिए, पहले जो ट्रेंड था चंद्रशेखर, वो ट्रेंड यही था कि सुबह में जो है घर के पुरुष आते थे मतदान करने के लिए, और जब वो घर वापस जाते थे तो महिलाएं घर का कामकाज निपटाकर चूल्हा चक्की करने के बाद वो मतदान केंद्रों तक आते थे, और उसके बाद जो है दोपहर का जो सत्र होता था वो बिल्कुल सन्नाटे का सत्र होता था, बिल्कुल खाली होता था मतदान केंद्र पर। लेकिन आज अगर आप देखें, या पहले चरण से 5वें चरण तक अब हम लोग पहुंच गए हैं, इसमें जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि अब घर के पुरुष आते हैं मतदान केंद्र पर, जो है कि पहले मतदान फिर बाद बाकी काम, उसका नज़ारा बखूबी देखने को मिलता है, और फिर दोपहर में घर का काम काज निपटाने के बाद महिलाएँ आती हैं। आप देख सकते हैं हमारी दाहिनी तरफ कि महिलाओं का हुजूम जो है वो उमड़ रहा है। सेल्फी पॉइंट है, मैं कुछ लोगों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा बगल हो जाए ताकि सेल्फी पॉइंट को दिखाया जा सके। देखिए, ये सेल्फी पॉइंट है और इस पर महिलाएं जो हैं बखूबी यहाँ फोटो खिंचवा रही हैं सेल्फी पॉइंट पर। घर का काम काज निपटाने के बाद, जब घर के पुरुष मतदान करने के बाद जब वापस चले गए, तो ये महिलाएं जो हैं आराम से आई हैं अपने बच्चों के साथ इस उत्सव में, इस महापर्व में शरीक होने के लिए। और कहा जाता है कि जमहूरियत में जो है वो बंदे तौले नहीं जाते, बंदे गिने जाते हैं। तो आप हमारे पीछे का नज़ारा देखकर चंद्रशेखर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोपहर के सत्र में महिलाएं कितनी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकली हैं। जब सन्नाटा मतदान केंद्रों पर होता था तो चुनाव आयोग ने एक ऐसे इंतजाम किए हैं कि सेल्फी पॉइंट या फिर पिंक बूथ, ये तमाम चीज़ें बनाकर मतदान केंद्रों को खूबसूरती के साथ कहीं ना कहीं सजाने की कोशिश की गई है, उसको कलरफुल बनाने की कोशिश की गई है। और जिस मतदान केंद्र पर मैं अभी मौजूद हूं चंद्रशेखर, यह जो है इसी मतदान केंद्र पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य मतदान के लिए आए थे, और जो राज्य के मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, वो भी मतदान करने के लिए इस मतदान केंद्र पर आए थे। और आप देख सकते हैं कि महिलाओं की एक हुजूम जो है यहाँ पर उमर रही है मतदान केंद्रों पर। आपने मतदान कर लिया? यस, कर लिया। पहले महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती थी, घर के जो पुरुष थे वो भी नहीं चाहते थे कि महिलाएं वोटिंग करें। अब ट्रेंड बदला है, बड़ी तादाद में महिलाएं आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रही हैं। राजेश, एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा। बिल्कुल बड़ी है जागरूकता के साथ। हाँ जी, बोलिए चंद्रशेखर, आपकी तरफ से मैं पूछूंगा सवाल। राजेश, हमारा जो पुराना अनुभव है, अब तो वक्त बदल चुका है। एक वक्त ऐसा था कि घर में जो महिलाएं होती थीं उन पर जो घर के पुरुष होते थे उनका वर्चस्व रहता था। पुरुष कहते थे जहां आपको वोट डालना है वहां वो महिलाएं जाकर के मतदान करती थीं। तो इसको जरा सा आप इनसे पूछिए, क्या अभी भी वही वक्त है या वक्त बदल चुका है?
हाँ बिल्कुल, हमारे एंकर जो हैं चंद्रशेखर जोशी, वो आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि पहले एक ज़माना था जब घर के पुरुष तय करते थे कि अमुक पार्टी को वोट देना है, क्या वो आज भी ये ट्रेंड है या आप स्वतंत्र रूप से वोटिंग कर रहे हैं? अब तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे जैसे नारी जागरूक हो रही है, जैसे जैसे सुरक्षित माहौल बन रहा है, इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। और पिछले कुछ वर्षों में जो सुरक्षा का माहौल बन पा है, और ख़ास करके जो शिक्षित नारी है वो अपना वोट अपने अधिकार और अपनी मर्जी से देती है, उस पर किसी का कोई दखल नहीं चलता। देखिए बहुत बड़ी बात है, चंद्रशेखर ये कह रही हैं कि अब अपनी मर्जी की सरकार ये खुद चुनती हैं, घर की सरकार भी चलाती हैं और प्रदेश की जो सरकार है वो भी अपने मर्जी से ये चुनती हैं, घर के पुरुष का वो दबदबा वो दखल अब नहीं रहता। जब वो गए ज़माने की बातें हो गई जब घर के पुरुष तय करते थे कि अमुक पार्टी को वोट देने हैं या वोटिंग के लिए कब जाना है या वोटिंग के लिए नहीं जाना है। एक दौर वो भी था जब घर की महिलाएं जो थी वो घरों की दहलीज लांग नहीं पाती थी, घूंघट की आड़ में वो रह जाती थी और घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो इजाज़त नहीं देते थे कि बहू जो है घर की दहलीज लांग कर मतदान केंद्रों तक जाए। लेकिन आज ज़माना इतना बदला है कि आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में महिलाएँ निकल रही हैं और कहीं ना कहीं जो एक महिला सुरक्षा का जो मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, या कहीं ना कहीं महिलाओं के जहन में है और महिलाएं जो हैं खुद आ रही हैं मतदान केंद्रों तक और यहां सेल्फी पॉइंट पर फ़ोटो खिंचवा रही हैं और घर के बच्चे जो हैं वो भी जमहूरियत के जश्न में शरीक होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक उत्सव जैसा जो नज़ारा है वो मतदान केंद्रों पर बखूबी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। और प्रयागराज, हमने पहले ही कहा कि प्रयागराज जो है वो हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन की धरती है। ठीक है राजेश, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाराबंकी से, तो उनके पास भी हम चलेंगे। आशुतोष, दिन के 2 बजे से अब ज़्यादा का समय हो गया है और जो राजेश अभी बता रहे थे कि एक ट्रेंड होता है कि सवेरे के समय पे घर के पुरुष जाकर के वोटिंग करके आते हैं और फिर उसके बाद दिन के बाद जो घर की महिलाएं हैं वो वोटिंग करती हैं, क्योंकि घर के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं उसको देखते हुए ये माना जा सकता है। तो आशुतोष, आपके जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए चंद्रशेखर, जो सवाल आपने राजेश राज से किया था और हमारे सामने भी किया है, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है मैं बता सकता हूँ। ये सही है कि दोपहर का वक्त थोड़ा खाली वक्त होता है, इस वक्त जो है मतदान केंद्रों पर वो तादाद नहीं आती है जो सुबह और शाम के वक्त आती है। लेकिन जिस तरह से राजेश ने बताया कि किस तरह से पहले, अगर 3 दशक पहले की बात करें अगर हम, तो वो मतदान केंद्र जिस दिन मतदान होता था वो कहीं ना कहीं भय का अड्डा होता था, क्योंकि निर्वाचन आयोग तब इतना शक्तिशाली ढंग से, प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं करता था कि हर व्यक्ति जो है निर्भय होकर के आकर के मतदान कर सके। दूसरी चीज़ यह है कि महिलाएं जो घरों से निकल करके आके मतदान केंद्रों तक आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी सूचना क्रांति का ज़बरदस्त योगदान है। सबके घर हाथ में मोबाइल है, वह मोबाइल जो सूचना से उनको जोड़ता है, वह TV जो उनको सूचना और जानकारियों से जोड़ता है, तो निश्चित रूप से उन वैचारिक परिवर्तन जो समाज के अंदर आया है, जो बदलाव आया है, ये धीरे धीरे ही सही, बिना किसी आंदोलन, बिना किसी हल्ले गुल्ले के आया है। लेकिन ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि वो दौर जरूर चला गया है कि सुबह मतदान के लिए पुरुष आते थे और शाम को महिलाएं आती थी। मैं सुबह से यह देख रहा हूं कि मतदान के लिए या तो परिवार साथ आ रहा है या महिलाएं भी पहले निकल करके आ रही हैं। एक बार फिर मैं उन मतदाताओं से, चंद्रशेखर, आपको रूबरू कराना चाहता हूं जो पहली बार मतदाता थे, बहुत उत्साहित थे मतदान करने के लिए, क्या कुछ उनके मन में था, क्या सोच करके उन्होंने मतदान किया है। क्या नाम है आपका? यहाँ पहली बार आपने वोट डाला है, कैसा महसूस कर रहे थे? अच्छा, कि चलते हुए वोट डालना अच्छा करना है, ये हमारा अधिकार है, हमें जरूर यूज करना चाहिए। अच्छा। मेरे केवल 2 ही पॉइंट थे यहाँ पर वोट करने के लिए। अच्छा। पहला अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है हम लोग युवा पीढ़ी आ रही है उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। फैमिली मेंबर्स इतने लोग होते हैं लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है, उसके पॉइंट पे हमने यहाँ वोट किया है। ठीक है, ये आपका था, आपने भी पहली बार वोट डाला है, आपने क्या सोच कर डाला? मैंने भी यही सोच के किया है कि यहाँ पे इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे भी हैं जिनकी फैमिली नहीं चल रही, पिछले कोविड के टाइम पे इतने सारे लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हाउ टू लिव, हाउ टू सर्वाइव। मैं बस यही चाह रही हूँ कि जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, उन्हें प्लीज़ इन सब चीज़ों में देखा जाए और चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, डेवलपमेंट होनी चाहिए सोसाइटी में और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए सबको। यही सोच के आई थी, और महंगाई कम करने के लिए, क्योंकि महंगाई कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है, इस वजह से महंगाई कम करने के लिए। तो चंद्रशेखर, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसमें एक खुले आकाश में जो है आगे बढ़ने की युवाओं में ललक है,
जातियों से ऊपर है, संकीर्णताओं से ऊपर है, न किसी का ये पैरोकारी करते हैं, लेकिन अपने लिए वो रास्ता जरूर चाहते हैं जहां पर इन्हें रोजगार मिल सके, जहां जीवन जीने के लिए एक बेहतर समाज मिल सके, जहां ये अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। कहीं ना कहीं ये प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज का जो आज का हमारा समाज जो है निकल करके आया है, जिसके हाथ में मोबाइल है, वो पक्की सड़कों पर दौड़ना चाहता है, वो चाहता है कि विकास के इतने आयाम खुलें कि जहां पर उनको रोजगार भी मिले और एक बढ़िया समुन्नत जीवन भी मिल सके, सुरक्षित जीवन मिल सके, ये सारी अपेक्षाएं निकल करके आ रही हैं। मैंने चंद्रशेखर पहले भी आपसे कहा था कि ये 2022 का विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि जिसमें जनता मुद्दे सेट कर रही है और राजनीतिक दल विचार कर रहे हैं। ये वो दौर नहीं है कि राजनीतिक दल मुद्दे सेट करेंगे और जनता विचार करेगी, बल्कि इसके उलट हो रहा है। राजनीतिक दल कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों पर आकर के जनता से बात कर रहे हैं और यही कारण है कि इस चुनाव में जबकि ना कोई एंटी इनकम्बेंसी है, ना किसी पार्टी के पक्ष में कोई लहर है, बिना लहर के हो रहे इस चुनाव में जनता साइलेंट है और राजनीतिक विश्लेषक जो है कहीं ना कहीं बेचैन दिखाई देते हैं कि पल्ला किस ओर झुक रहा है। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि पल्ला जिस ओर भी झुक रहा है बड़ा स्पष्ट झुक रहा है, क्योंकि पहले चरण के मतदान से लेकर आज तक के मतदान में मैंने एक कॉमन बात पाई है कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम सारे डेवलपमेंट के इश्यू सिर्फ जनता के मन में हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता मतदान कर रही है। चंद्रशेखर, ठीक है। शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार चाहे हम यूपी की बात करें, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, सभी जगह जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव इस वक्त चल रहे हैं वो लगातार अपनी नज़र रखते हैं और एनालाइज करते हैं क्या कुछ हो रहा है। शेखर अय्यर जी, अभी हम जो बात कर रहे हैं वहाँ पर महिलाओं का जो फैक्टर है, महिला मतदाता काफ़ी एक सशक्त मतदाता है और ये भी बात सामने निकल के आई कि एक दौर था जब घर के पुरुष तय करते थे कि किसको वोट देना है और घर की महिलाएं जा करके उस पार्टी को या उस उम्मीदवार को वोट दे के आती थीं। अब वो दौर नहीं है, खुद महिलाओं से हमने बातचीत की, उन्होंने माना कि अब वो दौर बदल चुका है। दूसरा, महिला सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा निकल करके सामने आ रहा है। और तीसरा, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी जाकर के कई जगह पे इस बात को बोला है कि महिलाओं को लेकर के जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी बीजेपी को वोट कर रही हैं, तो पूरा का पूरा ये जो महिला मतदाता है इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, महिला वोटर्स, हम अगर अंग्रेजी में कहें, दे हैव कम ऑफ एज, मतलब उनका समय आ गया है, उनका युग आ गया है, इसलिए वो अपने सारे इश्यूज को, सारे समस्याओं को वो सोचने लगे हैं, उसको सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन कौन दे पा रहा है, किस पार्टी कर रही है, किसकी क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सारे चीज़ें खुद सोच रहे। अभी आप दिखा रहे थे जो यंग फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी आप देखे, वो भी ऐसे जाके वोट करके नहीं आए, वो भी सोच के वोट किए, वो उनका मन में भी सारे बातें हैं कि अच्छा शिक्षा हो, शिक्षा के बाद एम्प्लॉयमेंट की जो एश्योरेंस हो, गारंटी हो, साथ में आप देख रहे हैं कि बाकी डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हैं। देखिए, एक बच्ची जो अभी 18 साल पहुंची है, उसको पहला राइट टू वोट मिला है, वो भी कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात के बारे में उसकी विचार है, बाकी चीज़ों के लेकर भी विचार है। इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, हर वोटर उनके लिए बहुत सीरियसली लेना पड़ रहा है कि टेक फॉर ग्रेंटेड अप्रोच नहीं चल सकता। और खास करके आज के जो चरण है, मतलब जो फिफ्थ चरण या पांचवी चरण में हम देख रहे हैं, जब आज की शाम तक जब ये चरण खत्म होगा, कम से कम मतलब अगर आप 403 जो विधानसभा सीट है उसमें 292 सीट्स का कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब लगभग आपको 70% के आसपास सीटें कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब लोग अपने मत डाल चुके हैं। तो ये जो चरण है, ये चरण अगर आप देखेंगे सबसे माना जाता है टफ चरण, क्योंकि पहला चरण में या द्वितीय चरण या मध्य जब अवध रीजन की बात हो रही थी, तब कहा जाता था किसी पार्टी का, किसी का मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, किसी के साथ किसी का अलायंसेस, अच्छे अलायंसेस है। लेकिन यहाँ पे आके हम देख रहे हैं कि सारे फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स जब पहले चरण से जो है, वो फैक्टर्स के अलावा भी हम यहाँ गठबंधन का भी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि विपक्ष, खास करके समाजवादी पार्टी का जो नया गठबंधन बनाई है, जो नए सोशल कॉम्बिनेशंस जो बने हैं, जो कास्ट समीकरण की जो बात है वो बात भी है, और साथ साथ में बीजेपी का भी ये पिछले अगर चुनाव की अगर आप परफॉर्मेंस कंप्लीट देखेंगे, पिछले सिक्स मतलब यहाँ पे जो 61 सीट्स है उस पर 47 सीट्स में इनकी
जीत हुई थी। तो बड़ी सवाल ये है कि वोटर क्या चाह रहा है, किस प्रकार के उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही है, जो एमएलए रहे, जो मंत्री रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है, वो किस तरह उनको डिलीवर किए हैं, और दूसरी तरफ जो विपक्ष की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो कैंडिडेट्स हैं, वो क्या कर पाएंगे, उनकी क्षमता क्या है, ये सारे चीजों को वोटर मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से स्टडी करके जाके आज वोट दे रहे हैं। चंद्रशेखर जी, ठीक है। शेखर जी, अगर हम मुद्दों की बात करें तो जो डबल इंजन की बात वहां पर बीजेपी की ओर से की जा रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि डेवलपमेंट प्लस लॉ एंड ऑर्डर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसीलिए ये इश्यूज जो है ये अलग अलग इश्यूज नहीं है। जब तक आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगी, जब तक आप सिक्योरिटी नहीं, वहां पे विकास का कोई बड़ा काम भी नहीं हो सकता है। इसीलिए इस चुनाव में जो बड़ी बात आ रही है कि अगर आपको विकास आगे बढ़ना है और तेजी से होना है, खास करके इलाका जो पूर्वांचल इलाका है, वहां पे पूर्वांचल की क्षमता बहुत ज्यादा है, काफी सालों से नेग्लेक्टेड इलाका है। क्योंकि इसलिए नेग्लेक्ट हुआ क्योंकि राजनीतिक दल अपने राजनीति कर रहे थे, विकास के बारे में सोच नहीं रहे थे, और पार्टीज भी बिना विकास भी जीत कर आ सकते थे। लेकिन आज के स्थिति में आपको अकाउंट देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया, नहीं किया, अगर किया तो कैसे किया, और न जो जो लोग कर नहीं पाए उनको भी अब हिसाब देना पड़ रहा है कि किस कारण से चीजें जो आगे पहले होनी चाहिए वो क्यों नहीं हुई। और जो दूसरी बड़ी बात है चंद्रशेखर जी, ये इस चुनाव में जो बड़ी फैक्टर आ रही है कि जो दो साल जो कोविड की वजह से जो विकास के काम थक गए, या जो नौकरियों को लेकर जो सवाल आ रहे हैं कि कई लोग की नौकरी गई, कुछ लोग फिर वापस अपने एम्प्लॉयमेंट नहीं पा पाए, ये सारे चीजें भी बड़ी फैक्टर है, जिस फैक्टर को हो सकता है विपक्ष सोच रही है कि इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या इसको ये। लेकिन सवाल ये भी आ रहा है कि विकल्प के रूप में क्या सामने दिया जा रहा है, विकल्प के रूप में क्या सोल्यूशन ऑफर किया जा रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पांच साल, शेखर जी यहीं पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि कोविड के दौर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक पहलू है, उसके काफी आर्थिक नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ा, कई सारे उसके पहलू हैं, लेकिन उसका अगर दूसरा पहलू आप देखें कि कोविड के दौर पे जिस तरह से, चाहे केंद्र की सरकार की बात करें या राज्य की सरकार की बात करें, जिस तरह से उन्होंने हालात को संभाला है, लोगों को जो अपने लोग थे वो उनको बाहर से निकाल के लेकर के आए, अब वैक्सीनेशन की हम बात करें, तो इसका जो दूसरा पहलू है, इसको क्या ये वोटर के जहन में नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जहां पर आलोचना हो रही है, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है, इतने तकलीफ के बावजूद, इतने क्राइसिस के बावजूद, इतने चैलेंजेस के बावजूद, अगर राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में कई चीजें डिलीवर कर पाई है, और कम से कम जो आप देख रहे हैं कि जो इतने परिवारों को जो रेशन दिया हुआ है, राशन जो दिया गया है, अनाज जो दिया गया है, उसके साथ साथ एलपीजी कनेक्शन की बात हो रही है, आवाज पीएम आवाज योजना में घर बांटे गए हैं, और हर नल में जल जो कार्यक्रम है उसमें कितने लोगों को पाइपलाइन सर्विसेज हुई है, ये सारे बातें भी माइंड में आ रही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, जब विकल्प की बात हो रही है, ऑल्टरनेटिव बात हो रही है, ये देखा जा रहा है किसकी क्षमता क्या है, डिलीवरी कैपेसिटी क्या है। क्योंकि अगर डिलीवरी कैपेसिटी विकल्प में भी है तो पहले क्यों नहीं दे पाए, 2012 से 17 के शासन भी उन्होंने देखा है, उस समय जो चीजें नहीं हो पाई, इस समय कैसे हो पाई जब इतनी दिक्कतें थी, तो ये भी वोटर के सामने है। देखिए, वोटर ये देख रहा है कि केवल दावे पे चुनाव नहीं, वो अपना फैसला नहीं चुनाना चाहते, ठीक है, दावा एक तरफ है, दूसरी तरफ है कि भाई कई प्रोमिसेस की जा रहे हैं कि अगर हम आ जाएंगे तो ये मुक्त कर देंगे, वो मुक्त कर देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या केवल मुफ्त चीजों, केवल मुफ्त के लालच में क्या कोई वोटर बड़ा डिसीजन ले लेगा, या पिछले 5 साल में इतनी चीजें, इतनी कठिनाई के बावजूद जो चीजें उनके हाथ तक पहुंचा है उसको भी समझेंगे। मुझे लगता है कि जैसे आपके अभी देख रहे थे कि कई जगह पे कई जात पात का भी मुझे नहीं लगता कि इतने वर्कआउट होगा जितना मुझे लगता है कि नहीं। शेखर जी, इसमें एक हमारे जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि एक, अगर हम जात पात की बात करते हैं, उन्होंने कहा एक नया तबका तैयार हो रहा है जो लाभार्थियों का तबका है और जो साइलेंटली वोट कर रहा है, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
चंद्रशेखर जी, लाभार्थी मुझे, मैं तो मानता हूं एक 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 अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई जो सारे 400 कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी फैक्टर है। देखिए ये लाभार्थी अपने आप में एक नया कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो आप पूर्वांचल हो, वेस्टर्न यूपी हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, हर इलाके में हर क्षेत्र में ऐसे एक वर्ग बन गया है जो वर्ग एक्चुअल बेनिफिशियरीज है, जिनको इस दिक्कत में, इस दिक्कत के समय में उनको बहुत राहत मिली है। वो अपने आप में वो भी फैसला कर रहे हैं कि क्या कौन सी सरकार उनको आगे इस चीजें दे पाएगी। देखिए केवल प्रोमिसेस में नहीं जाएंगे, उनको अभी तक जो चीजें मिली है उस पर भी वो फैसला करेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं ये चुनाव अपने आप में बड़ा टाइट हो गया है। एक तरफ लाभार्थी है, एक तरफ जो स्कीम्स इंप्लीमेंट हुए वो है, दूसरी तरफ जो दिक्कतें लोगों ने फेस किया है वो भी सामने है, उनकी उसकी उनकी जो एक्सपीरियंसेस रही है पिछले 5 साल वो भी रही है, और महिला वोटर जो जिनके लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए सुरक्षा को लेकर यूपी का जो पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस ट्रैक रिकॉर्ड में आप क्राइम रिकॉर्ड ले लीजिए, डिटेक्शन की रिकॉर्ड लीजिए, फॉलोअप की डिटेक्शन ले लीजिए। आपको याद होगा जब जैसे ही योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना है। इतना तक ये हो गया कि अगर आप पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन करेंगे, किसी एरिया से करिए, कितनी जल्दी पुलिस आपके पास पहुंच सकती है, वो अपने आप में एक बड़ा एक याद। ठीक है, आपकी बात समझ गए। कानून और व्यवस्था एक काफी बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, खासकर अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो। शेखर जी, अभी हम बातचीत जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आशुतोष, अगर अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है, उसके आसपास के कई इलाकों में चुनाव है, या हम पूरे अवध बेल्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो राम मंदिर का मुद्दा, उस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, ये किस तरह से लोगों के जहन में है। देखिए चंद्रशेखर, जैसा मैंने पहले कहा कि लाभार्थी तबका एक साइलेंट वोटर है, उस तरह से इस बार के चुनाव में 2022 के चुनाव में राम जन्मभूमि मुद्दा जो है एक साइलेंट मुद्दा है, साइलेंट मुद्दा है, क्योंकि मुद्दे का समाधान हो चुका है। समाधान होने के बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है, संतोष है जनता में, जो राम के अनुयायी हैं, जो राम भक्त हैं, या कि इस पूरे अवध क्षेत्र में जिस तरह से भगवान राम की मान्यता है, मर्यादा पुरुषोत्तम के भव्य मंदिर के निर्माणाधीन होने पर लोगों में इस बात का संतोष है। अब उनके यह दिमाग में बात कहीं न कहीं जरूर है कि इसके पक्ष में कौन था या कि विपक्ष में कौन था, ये डिबेट का अलग विषय हो सकता था। लेकिन अगर हम ये कहें कि अयोध्या में या अवध क्षेत्र में जो है भगवान राम के मंदिर के इतने भव्य निर्माणाधीन होने के बावजूद वह मुद्दा नहीं है, तो ये भी बेमानी होगा। मुद्दा है, लोगों के मन में है, दिमाग में है, लेकिन वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं साल्व हो चुका है, उसकी कहानी दूसरी हो चुकी है। कहीं ना कहीं आगे देखने की जो जनता की एक अपेक्षा होती है वह उसी की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं राम मंदिर के अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और इनसे जो संतोष प्राप्त किया है, अब वह विकास को लेकर के गतिमान होना चाहती है, वो डेवलपमेंट के रास्ते पर गतिमान होना चाहती है। वो यहाँ की जनता यह चाहती है कि उसको ऐसी सड़कें मिलें, उसको शिक्षा के ऐसे केंद्र मिले कि उनके बच्चों को पढ़ाने के बाद उन्हें रोजगार मुहैया हो सके। सबको यह भी मालूम है कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से महामारी का दौर था और इस महामारी के दौर में जिस तरीके से तमाम सारी आर्थिक जो है प्रतिबंध अपने आप सामने आए, तमाम सारा आर्थिक नुकसान हुआ, व्यक्तिगत व्यवसाय लोगों के खत्म हुए, तो उससे उबरने में जो वक्त लगने वाला है उस वक्त का भी लोग इंतजार कर रहे हैं, और उस वक्त का जब वह वक्त डेवलपमेंट का आए तो चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार रहे कि उस वक्त को जो 2 साल की हमारी तमाम सारी नुकसान है उसकी भी भरपाई की जा सके। और यही कारण है कि इस पूरे अयोध्या क्षेत्र में मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये 2022 का एक ऐसा चुनाव है कि जो वोकल नहीं है, ये सिर्फ जो है अपनी चिंता में है मतदाता और अपने मुद्दों पर है मतदाता, और उन्हीं मुद्दा अपेक्षा के साथ जो है वह मतदान केंद्रों पर आ रहा है। और ये भी मैं कह सकता हूं कि जो 60-65 एग्रीगेट जो मतदान का प्रतिशत निकलेगा वह जो है कहीं ना कहीं 2017 से थोड़ा बहुत 19-20 भले हो सकता है, लेकिन इतने शांत चुनाव में शांत मतदाता निकल करके अगर इतनी भी बड़ी तादाद में आते हैं तो हम मान सकते हैं कि लोकतंत्र की यह कहीं ना कहीं से जीत है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस आज के दिन को, मतदान के दिन को, जो एक त्यौहार के रूप में विकसित करने का जो उपक्रम किया है कहीं ना कहीं उसकी जीत है। और जिस तरह से लगातार लोगों को मतदान करने के लिए कैंपेन चलाए गए, उस कैंपेन की भी एक जीत के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। चंद्रशेखर,
ठीक है आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। शेखर जी, इसी मसले पे हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम शेखर जी आपसे बातचीत करें। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पांचवें चरण का मतदान चल रहा है उत्तर प्रदेश में और मतदाता इस वक्त अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ विशेष मेहमान शेखर अय्यर जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेखर अय्यर जी, जो अभी हम आशुतोष से बातचीत कर रहे थे, अगर जो पांचवें चरण की हम बात करें तो इसके इलाके की अगर हम बात करें, पांचवें चरण में अयोध्या के इलाके में 5 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर मतदान हो रहा है। अयोध्या के आसपास के इलाकों की बात करें, प्रयागराज की बात करें या पूरे अवध की भी हम बात कर सकते हैं, तो राम मंदिर का जो मसला है उसको हम जिस तरह से धार्मिक पर्यटन के साथ जोड़ा गया है सरकार की ओर से, सिर्फ एक राम मंदिर के आसपास के इलाके को विकसित करके किस तरह से वहाँ पर लोगों को फ़ायदा होगा, या उसके अलावा जो दूसरे कॉरिडोर डेवलप किए गए हैं वाराणसी की हम बात करें, तो ये राम मंदिर का मसला किस तरह से ये लोगों के जहन में होगा, आपका क्या कुछ एनालिसिस है? देखिए, राम मंदिर जैसे अशोक जी कह रहे थे, अभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चल रहा है, एक भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन सवाल आज वोटर के सामने ये है कि केवल ये राम मंदिर का निर्माण की बात नहीं है, जैसे आपने कहा कि एक रिलीजियस टूरिज्म की बात हो रही है जी। एक प्रकार से एक विकास मॉडल है ये, क्योंकि जब आप अयोध्या में भव्य राम मंदिर जब बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो वहां की जो डेवलपमेंट की जो पोटेंशियल है, वहां की जो क्षमता है, एक टूरिस्ट स्पॉट को कहिए या रिलीजियस स्पॉट कहिए या पिलग्रिमेज की स्पॉट कहिए, उसकी जो क्षमता को लेकर भी योगी सरकार ने काफी काम आगे बढ़ाया है। उसपे आप देख रहे हैं कि वहां पे कई होटल की प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कई टूरिस्ट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसका जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल काफी है। सो आने वाले में 5 साल में 10 साल में आप देखेंगे जो लोकल लोगों के लिए वहां पे बहुत अवसर आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी और सर्विस सेक्टर, खास करके सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट, जो चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं, बनारस में भी देख सकते हैं, ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा है वहां पे जो जिस तरह उसकी टूरिस्ट पोटेंशियल पहले भी था, ये नहीं है कि लोग पहले भी जाते थे, लेकिन और भी चीजें जो बढ़ रही है, जो सपोर्ट सर्विसेज आ रहे हैं, वो अपने आप एक बड़ा उसका एक ग्रोथ स्टोरी जो है, पूर्वांचल की ग्रोथ स्टोरी को भी एक बड़ा बूस्ट देगा। इसीलिए लोगों के सामने अयोध्या मंदिर एक हमेशा एक आस्था का विषय रहा है, और बाकी पार्टीज, विपक्ष पार्टीज जिसको पहले एक प्रकार से इसको इतने समर्थन नहीं दे रहे थे, उनको भी लगा कि इस बार इस इश्यू को लेकर ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि जो सपा के नेता है अखिलेश यादव जी, पहली बार अयोध्या में जाके कैंपेन किए, क्योंकि हमेशा फैजाबाद जाते थे, जिला में जाके कैंपेन करते थे, लेकिन अयोध्या प्रॉपर कभी जाते नहीं थे, लेकिन इस बार जाके वहां भी उन्होंने कैंपेन किया। इसका मतलब विपक्ष को भी पता है कि अयोध्या की जो भूमिका है आज की जो चुनाव में, वो बड़ी इसकी एक इम्पोर्टेंस है, और स्थानीय लोग भी देख रहे हैं कि अयोध्या का लगातार वहां पे एक प्रकार से डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो वहां पे कई उसको लेकर भी कई दुकानों के लिए भी नए जगह देने की भी बात हो रही है, ताकि जो आने वाले समय में जो वहां पे जो श्रद्धालु आएंगे उनको कैसे आप ईज ऑफ कंफर्ट दे पाएंगे, उस कंफर्ट का मतलब है सर्विस सेक्टर, और आप जानते हैं कि सर्विस सेक्टर का जितना क्षमता है नौकरी पैदा करने के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, वो बड़ी बात है। तो मैं मानता हूं कि वहां के जो इलाके के जो वोटर्स है वो देख रहे हैं कि इस योगी सरकार के समय में, कार्यकाल में कई जो कार्यक्रम, जो प्लान्स, मास्टर प्लान जो बनाए गए हैं अयोध्या के लेकर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, ये सारे एक प्रकार से केंद्र सरकार से भी काफी मदद मिली है,
केंद्र सरकार ने भी काफी सुझाव दिया है राज्य सरकार को, ये सारे चीजें वहां पे इंप्लीमेंट स्टेजेस पे है। इसलिए ये अपने आप में अयोध्या और काशी विश्वनाथ और प्रयागराज भी, जैसे इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज बन गया है, तब से लेकर ये सारे एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक रिलीजियस डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये सारे जगह। ठीक है, राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश प्रयागराज में मौजूद हैं। राजेश, आप लगातार विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, आप उन पर नजर रखते रहते हैं, ध्रुवीकरण की अगर हम बातचीत करें, ध्रुवीकरण हर पक्ष की ओर से कोशिश की गई है ध्रुवीकरण करने की, हम किसी एक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते, तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण कितना आपको दिख रहा है? देखिए, जो आशुतोष शुक्ला पहले कह रहे थे कि मतलब कहीं पर भी खुलकर जो है पक्ष और प्रतिपक्ष या फिर जो करंट या अंडर करंट की बात कहें या फिर लहर की बात कहें या एंटी इनकम्बेंसी की बात कहें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं कई बार फ्लोर पे आती हैं, कई बार फ्लोर पे नहीं आती हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके जो कोर वोटर हैं वो साइलेंट वोटिंग करते हैं, और बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनके वोटर जो हैं वो मुखर होते हैं, जिनसे पता चल जाता है कि इन्होंने किसको वोट किया किसको वोट नहीं किया। लेकिन गाँव में अभी भी आप जाएँ तो गाँव के मतदाताओं में अभी भी ध्रुवीकरण या लहर या अंडर करेंट एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ें जो हैं उनके मुखाकृति से ही पढ़ी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं, लेकिन वो फ्लोर पर आकर चीज़ों को रख नहीं पाते हैं। शेखर अय्यर साहब जो जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे, मैं भी थोड़ा उसमें सहभागी बनना चाहता हूं कि जो अयोध्या चित्रकूट या प्रयागराज या तमाम जो बनारस की बात करें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, तो यहाँ प्रयागराज में भी जब कुंभ के दौरान आपने देखा था कि जो पहले इतनी कुव्यवस्था रहती थी कि हजारों लाखों लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के महाकुंभ पहुँचते थे, और बहुत ज़्यादा जो है मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन पिछली बार आपने देखा कि जब महाकुंभ हुआ तो एक बेहतरीन आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उस आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयाग पहुंचे, और कल जब मैं उस वीवीआईपी घाट पर था और कॉमन घाट पर भी मैं जो प्लेबैक सिंगर हैं तृप्ति साकिया, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो यही बात तृप्ति साकिया ने भी कहा कि एक ज़माना था जब घाटों की सफाई का मसला हो या फिर अध्यात्म संस्कृति और जो संगम नगरी है उसकी जो साज सज्जा और खूबसूरती थी, उस मसले पर प्रयागराज कहीं ना कहीं कमज़ोर था, लेकिन बीते 5 साल की बात करें तो पूरा जो घाट है उसका कायाकल्प हो चुका है, बिल्कुल जो प्रयागराज है संगम तट जो है वो देखने दिखाने लायक है, साइबेरियन पक्षियां जो हैं वो उड़ रहे हैं, वहां पर तरह तरह की नाव चल रही हैं, साफ पानी दिखाई पड़ रहा है, बनारस की गंगा और यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम स्थल है इसमें बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अध्यात्म संस्कृति और साहित्य के मोर्चे पर भी बहुत सारे परिवर्तन जो हैं वो दूरगामी परिवर्तन हुए हैं, और कई नए तरह के आयाम जो हैं वो आयाम भी खुल रहे हैं, प्रस्फुटित हो रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि एक नया जो है साहित्य का जैसे सृजन होता है उसी तरह से एक नया ट्रेंड डेवलपमेंट का भी दिख रहा है, और सामाजिक समीकरण ध्रुवीकरण से इतर कहीं ना कहीं जो विकास का जो टॉप मॉडल है वो टॉप मॉडल सत्ता और विपक्ष सहयोगी गठबंधन महागठबंधन तमाम दलों के लोग टिकटों के वितरण में भले ही सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण का उन्होंने ध्यान रखा हो, लेकिन वोट मांगने के लिए जब वो जा रहे हैं तो फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ विकास जो है डेवलपमेंट जो है वो टॉप एजेंडे में शामिल है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात कह सकते हैं। ठीक है, शेखर अय्यर जी हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर अय्यर जी, ये जातीय अच्छी बात है कि विकास सबसे ऊपर होना चाहिए, भविष्य राज्य का देश का लोगों का ये सबसे ऊपर है, लेकिन सवाल फिर वहीं पर है कि जो अभी हम राजेश से भी जानना चाह रहे थे कि ध्रुवीकरण की अगर बात करें तो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के लिए एक वक्त था एक तबके को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि हर कोई इसमें मशगूल है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, ध्रुवीकरण ऐसा है कि मतलब पहले यूपी की अगर राजनीति में ज्यादातर वो कास्ट बेसिस पे या धार्मिक बेसिस पे ध्रुवीकरण की बात हो रही थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं जो छोटे नए पार्टी जो आए जैसे असउद्दीन ओवैसी के एमआईएम जो है, ये ऐसी पार्टीज ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनको लग रहा है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज
जब बीजेपी को मुकाबला कर नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि जो माइनॉरिटीज वोट है उस वोट को वो पूरा एडवांटेज लेकर एक मुस्लिम पार्टी किसी ने एक अगर एक अलग पार्टी क्यों ना हम वो स्थान क्यों कैप्चर ना करें। इसलिए आप देख रहे हैं जो बातें आती है तो फिर वही बातें यही पार्टीज करते हैं, जैसे एमआईएम जैसे पार्टीज ज्यादातर इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई अगर माइनॉरिटीज की को अगर अच्छी मतलब बात सामने रख पाएंगे हम ही कर पाएंगे तो हम ही एक उनके लिए एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, तो इसीलिए ऐसी बातें आती है। लेकिन दूसरी बात भी है, देखिए अभी तक मुझे लगता है कि सारे पार्टी समझ चुके हैं कि किसी एक जात के बल पे या किसी एक धर्म के बल पे आप चुनाव जीता नहीं जाता, ये समझ सबको आ गया है। इसीलिए तो कुछ सालों पहले मायावती जी ने भी उसी सर्व समाज की बात की थी और उसकी उनकी अलग पॉलिटिक्स थी, और अभी भी आप देखिए हर पार्टी को सबकी वोट चाहिए, इसे कोई पार्टी ये नहीं कह सकता मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए या फलाना जात की वोट नहीं चाहिए, बस ही बात नहीं है। देखिए इस समय जो उत्तर प्रदेश में जो इश्यूज हैं, क्यों आप देखिए प्रधानमंत्री खुद इस बार अभी उनके एक तरफ एक अपील थी मुस्लिम महिलाओं के प्रति, देखिए बीजेपी का हमेशा कहा जाता है भाई मुस्लिम वोट्स के पीछे कभी बीजेपी जाती नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी भी चाहती है कि कोई वर्ग ऐसा ना सोचे कि बीजेपी उनके लिए वंचित है या बीजेपी उनके खिलाफ है, ये माहौल इस तरह की माहौल पैदा करना बीजेपी भी नहीं चाहती, क्योंकि देखिए जब इश्यूज आती है, क्योंकि इस चुनाव में मैं जितनी जानता हूं कि पहली बार ध्रुवीकरण की एक प्रकार से जो एक सिग्नल आया जब पता नहीं किस कारण से अखिलेश यादव जी ने जिन्ना की बात की, तब मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं था, उन्होंने पहले इस बात को कि भाई जिन्ना के बाद जब उन्होंने जिन्ना की बात छेड़ ली तो ऑटोमेटिकली उसका काउंटर रिएक्शन शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं हम भी गलत एक एनालिसिस करते हैं जब हम सोचते हैं अगर बातें जैसे अगर पाकिस्तान या जिन्ना ऐसे बातें करके कि माइनॉरिटीज वोट इससे किसी तरह अफेक्ट होते वो भी एक गलत होगा, क्योंकि आज किसी धर्म का हो किसी जात का हो सबके सामने जो समस्या है वो एक ही समस्या है, उस समस्या को दूर करने में किस पार्टी सक्षम है। और एक सेकंड बात मैं कहना चाहता हूं चंद्रशेखर जी, देखिये इस 5 साल कार्यकाल में योगी सरकार के कार्यकाल में ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि धर्म के नाम पे या जात के नाम पे किसी स्कीम्स का कोई लाभार्थी को वंचित किया गया है या किसी को डिनाई किया गया है या कई इस इलाके में कार्यक्रम इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, ऐसी बातें कभी नहीं आई, कोई शिकायत इस तरह नहीं आई है कि प्रशासन ने किसी को डिस्क्रिमिनेट किया हो धर्म के नाम पे जी जी। या जात के नाम पे, खास करके वेलफेयर स्कीम को मामले में। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि हर पार्टी समझ गए, ठीक है आप एक दो भाषण दे सकते हैं लेकिन वास्तविकता यह है। शेखर जी यहीं पर एक संक्षेप में आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि माइनॉरिटी वोट की जब हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है माइनॉरिटी वोट इस वक्त पर? देखिए उनके लिए हमेशा एक फॉर्मूला रही है, पहले तो कहा जाता है कि MY फैक्टर, अच्छा वो MY फैक्टर, अच्छा वो भी उन्होंने देखा कि केवल MY फैक्टर उनके लिए वो इतना कामयाब नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर वो समाजवादी पार्टी ये कहे कि भाई सारे यादव वोट हमें मिल रहा है वो भी फैक्चुअल नहीं है, क्योंकि बाकी बीजेपी लगातार एक सोशल इंजीनियरिंग की है जहां पे उनकी बेसिस एक्सपेंड हुए ना केवल यादव समाज में बाकी नॉन यादव ओबीसी समाज में भी उन्होंने एक्सपेंड किया है। इसीलिए ये जो गठबंधन हुई है इस बार जो अखिलेश यादव जी ने जो गठबंधन किया है इसी जो जात है छोटे छोटे जो जात है जिस जात पहले उनको लगता था ये नॉन यादव ठीक है। शेखर जी अभी हमको एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है थोड़ी देर में, उससे पहले हम आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम यूपी में जो टक्कर की बात करते हैं अधिकतर बात सामने ये निकल के आती है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप लोग हैं, क्या केवल दो ही पार्टियां मजबूती से लड़ रही हैं या बाकी पार्टियां भी हैं वहां पर, उनको क्या हम फेज आउट कर सकते हैं पूरे इससे? चंद्रशेखर पूरी तरह से बाकी पार्टियों को खारिज नहीं किया जा सकता है, कमजोर हो सकती हैं बहुजन समाज पार्टी कई जगह कई सीटों पर, हमने देखा है कि इन 5 चरणों में कई सीटों पर जो है वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कांग्रेस की बात तो कांग्रेस भी अपना जमीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है, कम से कम जीत
के करीब ना आए तो कम से कम जो अपने मतों के प्रतिशत को बढ़ा सके, तो यह प्रयास भी उसका रहा है। तो कमोबेश कहीं ना कहीं जिस तरह से उसके स्टार प्रचारकों ने जो है कांग्रेस पार्टी का के पक्ष में प्रचार किया अपने उम्मीदवारों के पक्ष में, निश्चित रूप से उसका जो है कोई ना कोई सकारात्मक उनको परिणाम भी दिखाई देगा। और बहुजन समाज पार्टी ने भी कई स्थानों पर अपने तमाम चुनाव प्रचार किया, इसके साथ ही टेक्टिकल थोड़ा पॉलिटिक्स की है और उसमें अपनी जो पिछली सीटें थी 2017 की वो बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये उभर करके साफ तौर पर जरूर आया है कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक जो है आमने सामने की लड़ाई, बार बार ये कही जा रही है कि आमने सामने की ये लड़ाई है और इसमें अन्य दल कहीं ना कहीं अपनी जमीन जरूर तलाशेंगे, लेकिन जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है चंद्रशेखर, आप सब हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स, जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भोलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है और हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान और संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको सीधे हम देवरिया लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ध्यान ही नहीं दिया, गोरखपुर, देवरिया और आसपास के क्षेत्र में दिमागी बुखार से कितने ही मासूम बच्चों को दुखद मृत्यु हो जाती थी, लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए इन परिवारवादियों ने कुछ नहीं किया। ये योगी जी की सरकार का ही प्रयास है कि इस क्षेत्र में दिमागी बुखार काबू में आया है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जीवन बच रहा है। अभी कुछ समय पहले मुझे यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजों का एक साथ लोकार्पण करने का मौका मिला था। देवरिया का महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज भी उसमें शामिल है। ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकता था, लेकिन आप लोग कभी इन गौर परिवारवादियों की प्राथमिकता में थे ही नहीं। ये हमारी ही सरकार है जिसने गरीब से गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा भी दी है। साथियों, हमने सिर्फ देवरिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में 18 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, 20 पर तेजी से काम चल रहा है। गोरखपुर में बने एम्स से आपको 2 गुनी राहत मिली है। हमारी कोशिश ये भी है कि गरीब का बेटा बेटी अपनी भाषा में, वो अपनी भाषा में ही मेडिकल
और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। इसका बहुत बड़ा लाभ देवरिया और पूर्वांचल के हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले मेरे सभी बेटे बेटियों को इसका लाभ होने वाला है। साथियों, पिछले 2 साल से पूरी दुनिया ऐसी महामारी का सामना कर रही है, 100 साल में कभी न ऐसी महामारी किसी ने देखी, न ऐसी महामारी के लिए किसी ने सोचा। पूरी दुनिया को, पूरी मानव जात को इस महामारी ने चपेट में लिया है। इस समय विपक्ष का भी यह दायित्व था कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे, लोगों का हौसला बढ़ाए, लेकिन संकट के इस समय में परिवारवादियों ने आपकी सहायता करने के बजाय आपको डराना, चिंता में रखना, संकट और बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने में पीछे नहीं रहे। गरीब को इन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ भड़काकर आपको खतरे में डालने की कोशिश की। आज इसी वैक्सीन की वजह से तेजी से हालात सुधर रहे हैं, व्यापार कारोबार शुरू हुआ है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा क्या? सबको टीका लगा? आपको टीका लगाने के लिए 1 रुपया भी खर्च करना पड़ा क्या? 1 पैसा भी देना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, महामारी के दौरान जब देश गरीबों के चिल्ले की, उनके चूल्हे की चिंता कर रहा था, तो इन परिवारवादियों को अपने वोट की चिंता सता रही थी। ये डबल इंजन की सरकार है जो यूपी के 9 करोड़ से अधिक पिछड़ों को, 3 करोड़ दलित भाई बहनों को और सामान्य वर्ग के 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है, 15 करोड़ परिवारों को। मुश्किल में समय में अपना ही साथ देता है, जो पराया होता है वो इन गौर परिवारवादियों की तरह घर में बैठ जाता है। भाइयों और बहनों, देवरिया समेत इस क्षेत्र की पहचान गन्ना उत्पादन से है। लेकिन इस क्षेत्र की चीनी मिलों को इन परिवारवादियों के शासन में बंद करा दिया गया। देवरिया का हमारा गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकता है कैसे वो अपनी उपज बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर था। तो देवरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को वहां पर संबोधित कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में इस वक्त 5वें चरण का मतदान चल रहा है और प्रधानमंत्री सहित बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अगले चरणों के लिए इस वक्त वहां पर प्रचार कर रहे हैं यूपी में। हमारे साथ शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो अयोध्या में मौजूद हैं। शेखर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी हमने प्रधानमंत्री को सुना और प्रधानमंत्री जिन बातों को सामने रख रहे हैं
किस तरह से इंसेफेलाइटिस को कम किया गया, किस तरह से मेडिकल कॉलेज, 18 मेडिकल कॉलेज की बात उन्होंने की, विभिन्न ज़िलों में खुले हैं, उन्होंने आयुष्मान भारत की बात की, उन्होंने वैक्सीनेशन की बात की, कोरोना के दौरान क्या कुछ हुआ, विपक्ष ने किस तरह से उसको मुद्दा बनाया, आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि ये अब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर वोटर कहीं ना कहीं सोचेगा। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ये जिम्मेदारी ले ली है कि जब विपक्ष कह रहा है कि पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, चीजें बिगड़ी हैं, ठीक से काम नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल पर कई चीजें डिलीवर नहीं पाए, वहां पे जो सर्टेन फैक्ट्स जो है, जो तथ्य हैं, उन तथ्य को सामने रखने की प्रधानमंत्री की बड़ी कोशिश है। क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर ये चीजें हुई है, ये चीजें अगर योगी सरकार केंद्र सरकार के मदद पे कर पाई है, ग्राउंड लेवल पे कर पाई है, इसका मतलब क्या है? ये डिलीवरी नहीं है, ये 5 साल के एक प्रकार से हिसाब किताब नहीं है। मैं मानता हूं, देखिए लगातार प्रधानमंत्री ना केवल देवरिया में नहीं, हर चुनाव रैलियों में यही बातें रख रहे हैं कि स्पेसिफिक्स कि क्या क्या चीजें हुई है, किस चीजों की लोकार्पण हुई है। तो एक प्रकार से लोगों वोटर के सामने प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं कि ये जो यूपी पहले 5 साल पहले क्या था, अब क्या हुआ है, खास करके जो प्रॉब्लम्स है, आपने इंसेफिलिटीज की बात की, और दूसरी तरफ ये जो मास वैक्सीनेशन जो हुआ है कोविड आने के बाद, वो अपने आप में यूपी जैसे राज्यों में कोने कोने तक, गांव गांव तक जो वैक्सीनेशन की जो बड़ी जो कैंपेन हुई है, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है और लोग भी जानते हैं। और दूसरी तरफ जो बातें सामने आई, देखिए कोविड कार्यकाल में कई चीजें जो अभाव है, मेडिकल फैसिलिटीज की अभाव जिले स्तर पर और देहात स्तर पर, उसको दूर करने के लिए जो केंद्र सरकार ने भी बड़ी जो स्कीम अनाउंस की है, जो आत्मनिर्भरता के स्कीम के अंडर, कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होंगे और जितने हॉस्पिटल बेड्स हैं उसको दुगुना किया जाएगा, ये सारे ठीक है। जो सरकार की तरफ से कार्यक्रम है वो लोगों के विकास के लिए है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए है, लोगों के शिक्षा के लिए है, ऐसे कई चीजें जो हैं, इतने फैसले लिए गए और कई फैसले कारण भी हुए। ठीक है, ठीक है शेखर जी, हमारे पास वक्त कम है, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी सवाल को हम शैलेंद्र के पास लेकर चलते हैं। शैलेंद्र, आप लगातार यूपी में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उस पर आप नजर बनाए हुए हैं, और हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोविड का मुद्दा है, जो वैक्सीनेशन का मुद्दा है, प्रधानमंत्री जहां भी रैली कर रहे हैं इस बात को वो बोल रहे हैं कि कोविड के दौरान क्या केंद्र सरकार ने किया, क्या राज्य सरकार ने किया और विपक्ष ने क्या कुछ राजनीति की, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है? चंद्रशेखर, निश्चित तौर पर जब हम लोगों से बात करते हैं कोरोना काल के दौरान जो चुनौतियां हैं उसको लेकर, तब जनता इस बात को कहती नजर आती है, इस बात पर अपनी राय रखती नजर आती है कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने बहुत सहारा दिया है, चाहे वो राशन को लेकर हो या फिर कोरोना काल के दौरान दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को देश में चलाने को लेकर हो, और उस पर जो दिखी है सरकार की सक्रियता, निश्चित तौर पर सभी लोग उस बात से एक प्रसन्न हैं और संतुष्ट भी हैं कि कोरोना काल की चुनौतियों में जो आम लोगों को दिक्कत हुई इस बात को सभी स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में हमने देखा कि अचानक जब मरीजों की संख्या बढ़ी या फिर जब परिवार में दिक्कत आई आर्थिक तौर पर, लेकिन सरकार ने जो सहारा दिया है ऐसे मौके पर, जो तमाम कदम उठाए गए, चाहे वह राशन को लेकर हो या फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टीकाकरण अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया गया, और आज दुनिया में हम सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर जनता यह कहती है कि सरकार ने समय पर एक तरह से कार्रवाई की और समय पर उचित कदम उठाए, जिससे कोरोना की चुनौतियों से लड़ने में मदद मिली है और उससे आम जनता को जो चुनौतियां आई उसका सामना करने में मदद मिली है। निश्चित तौर पर इस बात को जनता कह रही है, जब हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं तो ये भी बात निकल कर सामने आ रही है, इस मुद्दे पर भी सभी लोग अपनी राय रख रहे हैं। दूसरा, शैलेंद्र, जहां पर आप खड़े हैं मतदान किस तरह से वहां पर चल रहा है, अब लगभग 3 बजने वाला है, एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए 3 बजे क्या कुछ स्थिति वहां पर है। ये देखिए मतदान, आप हमारे कैमरामैन दिखाएंगे शंभुनाथ मिश्र जी, अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मतदान कोई धीमा हुआ है, हालांकि लंबी लंबी कतारें नहीं है, लेकिन आप देखें कि लोग मतदान करके निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और ये
मॉडल केंद्र है एक, तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर झूला पहले से लगा हुआ है, बच्चे घूम रहे हैं। जो मतदान प्रतिशत का जहाँ तक सवाल है, इस मतदान केंद्र पर 65% मतदान हो चुका है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जो ये चरण है, पांचवा चरण, उसमें तमाम जिलों में, और जो सबसे ज़्यादा मतदान अभी तक जो खबर रही है अयोध्या और कौशाम्बी, वहाँ हमने देखा था कि 1 बजे तक आप देखें कि 40% से ऊपर मतदान हो चुका था। अब आके 3 बजे का आंकड़ा जब आएगा तो हम देखेंगे कि कितना मतदान होगा, लेकिन इस मतदान केंद्र पर 65% मतदान हुआ, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 55-60% मतदान यहाँ अयोध्या में आसपास के पोलिंग बूथों पर हो चुका है। तो उस लिहाज से जब अंतिम आंकड़ा 3 बजे का आएगा तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि मतदान प्रतिशत क्या रहने वाला है। लेकिन अगर आप 1 बजे और अभी इस मतदान केंद्र के संकेतों से समझे तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि 2017 के मुकाबले हो सकता है मतदान प्रतिशत कम से कम अयोध्या में बढ़ता हुआ नजर आए और 70% तक भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी संतोष यहाँ पर आ चुके हैं, वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।